गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, योर सेकेंड लेक्चर ऑफ योर एट्थ चैप्टर ऑन योर पेज नंबर 64। बेटा हम लोग नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां हम लोगों ने छोड़ा था। ठीक है, तो यहां आते हैं प्लांट्स फाइबर, कॉटन, लिनन एंड देन थर्ड पैराग्राफ। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर्स इंटू क्लोथिंग। बेटा अब हम लोग इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फाइबर्स को क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है। द फाइबर्स आर ट्विस्टेड और स्पन इंटू स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। बेटा फाइबर एक्चुअल में क्या होते हैं कि बहुत पतले पतले से रेशे होते हैं, और उन रेशों को मतलब उन फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट किया जाता है, एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है और स्ट्रॉन्ग थ्रेड मतलब धागे में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यार्न। स्पिनिंग इज डन विद अ स्पिनिंग व्हील और विद स्पिनिंग मशीन। और बेटा इसके लिए जो वो होते हैं आपके फाइबर्स होते हैं उनको स्पिन किया जाता है, और वो स्पिन आपकी स्पिनिंग मशीन के थ्रू किया जाता है, जिसे हम लोग स्पिनिंग व्हील भी, इस टाइप का ये स्पिनिंग व्हील होता है या स्पिनिंग मशीन्स होती हैं, मॉडर्न स्पिनिंग मशीन्स हैं, उनके थ्रू किया जाता है। द यार्न इज लेटर वोवन टुगेदर ऑन अ मशीन कॉल्ड अ लूम टू मेक क्लोथ्स। इसके अलावा फिर उस यार्न को फिर एक साथ बुना जाता है मशीन्स के थ्रू। ठीक है, उससे क्या बन, या फिर ट्रेडिशनल इस तरीके से, या फिर मशीन के थ्रू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिससे कि क्लोथ का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होता है। समटाइम्स द क्लोथ इज डाइड विद कलर्स और प्रिंटेड आफ्टर दैट। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो क्लोथ्स होते हैं हमारे, जब वो जो हमारे फाइबर्स पूरी तरह से क्लोथ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन क्लोथ्स को डाई किया जाता है। डाई बेसिकली मींस उनको कलर्स किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, या इसके अलावा प्रिंट वगैरह उनके ऊपर किया जाता है। जैसे आप लोग पहनते होगे ना, टी शर्ट्स पहनते हो, प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स फ्रॉक्स वगैरह पहनती हैं, कलरफुल फ्रॉक्स होते हैं, कलरफुल ड्रेसेस होते हैं, तो वो डाई और प्रिंटिंग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, कॉटन एंड लिनन आर मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स फॉर वेयरिंग। इसके अलावा जो कॉटन और लिनन के क्लोथ्स होते हैं, ज़्यादातर उन्हीं क्लोथ्स का यूज़ किया जाता है वेयरिंग में, मतलब पहनने में। ज़्यादातर हम कॉटन और लिनन के क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज, ओपन योर पेज नंबर 65। नेक्स्ट आपका नेचुरल या प्लांट फाइबर है जूट। जूट फाइबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम एंड आउटर स्किन ऑफ द जूट प्लांट। बेटा जो जूट फाइबर है वो स्टेम से प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर जूट प्लांट की आउटर स्किन से। जूट इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग सैक्स, बैग्स, कर्टेन्स, कारपेट्स, रग्स एंड रोप्स। बेटा जूट का यूज़ बेसिकली कहाँ किया जाता है, जो बैग्स वगैरह होते हैं, कर्टेन्स यानी कि पर्दे होते हैं, कारपेट जो आपके होते हैं, कालीन वगैरह, उनको बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कॉयर। कॉयर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ अ कोकोनट। बेटा जो कोकोनट है, कोकोनट का जो बाहर का जो शेल होता है, जैसे हम उसका पील बोलते हैं, छिलका बोलते हैं, उसी से बनाया जाता है। कॉयल इज यूज टू मेक डोरमेट्स, मैट्रेसेस, ब्रशेस, सैक्स एंड रोप्स। बेटा कॉयर का कहाँ यूज़ किया जाता है, डोरमेट्स बनाने में, मैट्रेसेस यानी जो गद्दे होते हैं आपके बेड के, उनको बनाने में, ब्रश, सैक्स और रोप्स मतलब रस्सी वगैरह बनाने में, चारपाई वगैरह होती है ना, जो अर्बन एरिया में, जो मतलब अर्बन ही सॉरी रूरल एरिया में, मतलब देहात क्षेत्र में जो आपकी चारपाई वगैरह यूज़ होती है, ब्राउन कलर्ड होती है, वो सब आपकी इसी कॉयर से ही बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल फाइबर्स की। वूल, सबसे पहला है वूल। एनिमल्स दैट हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर स्किन गिव अस वूल। बेटा ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन पर काफ़ी अच्छी लेयर में हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो हमें वूल देते हैं। दिस कोट इज कॉल्ड फ्लीस। और ये जो कोटिंग होती है हेयर की, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लीस। We get wool mostly from sheep, camels and goats. ज़्यादातर जो हमको wool मिलता है वो कहाँ से मिलता है, sheep से, camel से और goat से। The fleece is cut off or sheared. इसके बाद में जो fleece होता है उसको cut किया जाता है। ठीक है, it has fiber जिसमें क्या present होते हैं,
फाइबर्स. वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं यानी जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमको कैसा रखते हैं, वार्म मतलब गर्म रखते हैं. सो दे आर यूज्ड इन विंटर. इसीलिए उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, विंटर में. दे डोंट क्रश ईजली. और वो ईजली ख़राब नहीं होते हैं, मतलब ईजली नहीं फटते हैं. ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. अभी आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपको जूट फाइबर के बारे में बताया गया है, कॉयर के बारे में बताया गया है, वूल के बारे में बताया गया है, लिनन और कॉटन के बारे में बताया गया है. तो आप इनके बारे में पढ़ के और इनकी डेफिनेशंस को लर्न करके खुद से रफ नोटबुक पे लिखेंगे, जिसका होमवर्क आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास.